हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन रितु। आज हम बना रहे हैं होममेड हेल्थी ऑयल। हेयर ऑयल बना रहे हैं हम, क्योंकि आजकल मेरे क्लाइंट्स की काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं कि उनको हेयर फॉल हो रहे हैं ड्यू टू वेदर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से है, या उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हम आज हेल्थी ऑयल बनाने जा रहे हैं होममेड, जिससे कि हमारे जो हमारे डैंड्रफ होते हैं बालों में, या हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, या फिर ग्रे हेयर हो रहे हैं, उससे हम प्रिवेंट हो सके। हम घर पे कैसा ऑयल बनाएंगे? हम यूज़ कर रहे हैं ड्राई आंवला। ये देखिए, हम ड्राई आंवला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो बेनिफिट है वो मैं बताना चाहती हूँ। इसके जो बेनिफिट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये प्रिवेंट करता है जो हमारे डैंड्रफ होते हैं उसको प्रिवेंट करता है, ग्रे हेयर को स्टॉप करता है, हेयर फॉल को स्टॉप करता है, बिकॉज इसमें एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल है, इसलिए हम इसमें आंवला यूज़ कर रहे हैं, ड्राई आंवला। तो उसके बाद मैं यूज़ करूँगी जो हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है, वो है कड़ी लीव, कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता क्या करता है, रिपेयर करता है डैमेज हेयर को, प्रिवेंट करता है हेयर फॉल को, ठीक है, जो हमारे रूट्स डैमेज होते हैं उनको क्लियर करता है। तो थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है फेनुग्रीक लीव्स, यानी कि मेथी, मेथी के दाने। तो मेथी के दाने के क्या बेनिफिट है, जो हमारे मेथी का दाना है वो हमारी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, ये एक नेचुरल कंडीशनर है। तो इससे हम अपने ऑयल में यूज करेंगे। ये हमने अमाउंट ली है 20 ग्राम। कि मैंने बाउल, एक मीडियम बाउल जो है वो मैंने कड़ी लीव लिया है, ठीक है। तो ये जो है मैंने 2 बिग स्पून्स डाले हैं, नियर अबाउट 20 ग्राम, 20 ग्राम मैंने ये लिया है मेथी। एंड उसके बाद जो मैंने आंवला लिया था, नियर अबाउट 50 ग्राम लिए हैं, ये मैंने 50 ग्राम के नियर अबाउट लिए हैं। और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ 2 स्मॉल जो स्पून कलौंजी के। ये कलौंजी हमारे लिए क्यों बेनिफिट है, क्योंकि ये हमारे ग्रे हेयर को प्रिवेंट करती है, तो इसलिए मैं कलौंजी यूज कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद 2 स्पून हम लेंगे बादाम रोगन, ठीक है। तो एलमंड ऑयल के क्या बेनिफिट है, फाइट करता है इन्फ्लेमेशन से और नरिश करता है हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि इसमें रिच इन वाइटामिन ई होता है और डैंड्रफ को हमारे प्रिवेंट करता है। और कोकोनट ऑयल आपको पता ही है, ये मैं पैराशूट वाला नॉर्मल जो है कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो कोकोनट ऑयल जो हमने इसलिए ये लिया है क्योंकि ये MCT ऑयल है और ये हमारे हेयर ग्रोथ और हमारे जो हेयर को नरिश करता है। तो अब हम बनाएंगे इसको, कैसे बनाना है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने ड्राई आंवला डाला, देन उसके बाद हमने कलौंजी डाली, उसके बाद मैंने डाला है, ये देखिए, मेथी, फेनुग्रीक, उसके बाद हम कड़ी लीव डालेंगे। कड़ी लीव के बाद हमने ऑयल डालना है। सबसे पहले मैं एलमंड ऑयल अगर आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल। स्पून डाले हैं इसमें। तो ये ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट में हम मिक्स कर देंगे, अब हम पैन में डालेंगे। अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट। हमने सबसे पहले पानी एक साइड पे उबाल लिया, क्योंकि इसमें मैं कांच वाला बाउल रखने वाली हूँ, सीधा हम कुक नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं करना चाहती हूँ। इसको पानी को थोड़ा गर्म करना है हमने, देन मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, गैस को। इसके बीच में मैं रख रही हूँ ताकि ये आराम आराम से पिघल जाए।
सारा मेल्ट हो गया है इसमें। इसमें हम और ऑयल डाल के, ये देखिए ये जो आपका ऑयल है, इसमें हम और ऑयल ऐड कर देंगे। तो इसको हमने जार में डाल के रखना है, देन इसको हम धूप लगवाएंगे 2-3 दिन, ताकि ये अच्छी तरह से इसका असर पूरा ऑयल में चला जाए। इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, थोड़ा आप एक दिन इसको बना के रखें, बनाने के बाद इसको छान के फिर दोबारा से आप ये ऑयल निकाल के तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं और ऑयल डालूँगी अभी मेल्ट करके, ताकि इसकी एक पूरी बॉटल बन जाए। तो ये आप ऐसे भी लगा सकते हो, तो अगर धूप है तो आप धूप में रख सकते हो 2-3 दिन, अगर धूप निकल रही है तो आप धूप में रख के आप इसकी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरी तरह असर हो जाएगा इसमें, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैं बीच में डाल रही हूँ जार के, ये हमने जो कांच का जाल लेना है उसमें आप, क्योंकि ये जब आप सन में रखोगे तो पारदर्शी होता है, तो सारी चीज़ें जो है, कई बार हमने देखा होगा वीडियो में कि हम सारी चीज़ें कुक करके बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो कोई इसका बेनिफिट नहीं रहता। ये इंग्रेडिएंट अगर बीच में है तो अगर आपका ऑयल ख़त्म भी हो गया तो आप फिर इसमें डाल सकते हो हीट करके थोड़ा ना, और मेल्ट करके इस बॉक्स में डाल देना है। तो ये मेरा बन जाएगा पूरा ऑयल, फिर मैं इसको धूप में रखूँगी या आप एक दिन के लिए रख के फिर आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप जैसे अभी धूप तो निकल नहीं रही है तो 1 डे के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। पूरा ये मेल्ट हो जाएगा, जो भी चीज़ है वो हम मेल्ट करके इसमें डाल देंगे। इसमें ये है कि न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं ख़त्म हो रही है हमारी, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका फिर ऑयल ख़त्म हो रहा है तो फिर आप ऑयल इसमें, आप कैस्टर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑयल मैं अब जो भी मैंने मेल्ट किया है वो अब इसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है, ताकि ऑयल हमारा पूरा एक डिब्बी बन जाए। जैसे धूप निकली अगर, ठीक है, तो आप धूप में भी इसे रख सकते हो, क्योंकि मैंने तभी कांच वाले बाउल में डाला है ताकि धूप में इसका असर अच्छा हो जाए, और नहीं तो आप एक दिन के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा विंटर्स हैं तो थोड़ा मेल्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ना ये सर्दियों में कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो आपने ये उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा मेल्ट करना है इसको, मेल्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। मेल्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे मेल्ट करना है। आपने डबल बॉयलर करना है, जैसे आप कांच का बाउल नीचे, आप कोई भी बर्तन में रख के कांच का बाउल उसमें आप मेल्ट कर सकते हो, ताकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ना ख़त्म हो, जिस इसके जो भी बेनिफिट हैं वो हमें मिल सके। देखिए ये ऑयल बहुत ही हेल्थी ऑयल है, इसको स्ट्रेन करके आप बालों में लगाइए, ये आप बीच में ही रहने दीजिए, जब आपका ऑयल ख़त्म हो जाए आप दोबारा से भी इसमें डाल सकते हो ऑयल। तो